दोस्तों ये देखिए दोनों को देखिए दोस्तों। और धान फूट गया तो काफी अच्छा लग रहा है। देखिए बाल सब, ये देखिए काफी प्यारा है। देखिए तो चलिए दोस्तों बोलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों हम लोग भी बढ़िया हैं। और अभी टाइम दोस्तों 3 बज रहा है, और अभी हम लोग जाएंगे दोस्तों घास कटिंग करने के लिए खेत तरफ। घास पूरा ख़त्म हो गया है तो बकरी सबको दे देंगे और गाय को भी दे देंगे। तो चलिए चलते हैं, हंसुआ ले लेते हैं और परात। और एक बकरी बच्चा दे दी है दोस्तों, और ये देखिए बच्चा छोटा सा है और काफ़ी प्यारा लग रहा है। देखिए ये देखिए काफ़ी प्यारा है। देखिए और ये बकरी का बच्चा है, और आराम से बैठा हुआ है। देखिए रात में दी है बच्चा। अभी अच्छा से चल भी नहीं पाता है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, कुछ दिन का बाद दौड़ेगा। और ये देखिए हंसुआ, ये वाला पूरा लोहा का। इसी से घास कटिंग करते हैं और हम लोग बोलते हैं हंसुआ। और आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये नीचे है परात, ये देखिए। लेकर के जाएंगे ना, इसको रख देते हैं। और ये परात को ले लिए, और दोस्तों हंसुआ और परात ले लिए, और चलिए चलते हैं। और आज लगता है बारिश आएगा, ये साइड में पूरा मौसम अंधेरा किया हुआ है। और ये देखिए ये सब बैल खा रहे हैं, देखिए घास। और ये साइड में मौसम अंधेरा किया हुआ है, तो जल्दी कटिंग करके आएंगे, नहीं तो बारिश आ जाएगा तो भीग जाएंगे हम लोग। पूरा अंधेरा किया हुआ है, और घर में घास पूरा बिल्कुल ख़त्म हो गया, और दो टाइम देना पड़ता है, सुबह और शाम शाम का टाइम में 3-4 बजे। आज आएगा बारिश, पूरा मौसम अंधेरा है ये साइड में। मोबाइल में पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये साइड में मौसम पूरा अंधेरा किया हुआ है। तो इधर से ही जल्दी कटिंग करेंगे और भागेंगे घास लेकर के, नहीं तो बारिश आ जाएगा तो फिर नहीं कटिंग कर पाएंगे, तो गाय भी भूखा रहेगी और बकरी सब भी भूखा रह जाएंगे। और ये देखिए ये जगह सांप देखिए भाग गया, भाग गया, और इधर ही भाग गया सांप ये साइड में, किधर चल गया पता नहीं। और खेत में मछली पकड़ता है, इसीलिए खेत में ऐसे ही जगह में रहता है, और मछली उतरते हैं तो पकड़ करके खाता है। और ये वाला खेत का धान आधा पक गया, देखिए पूरा कलर चेंज हो गया, और कुछ दिन का बाद कटिंग करना पड़ेगा। ये देखिए, और बहुत ही बड़ा बड़ा बाल है धान का, ये देखिए।
और ये वाला खेत में अभी फूटना स्टार्ट हुआ है। और पानी से ये जगह धान पूरा बर्बाद हो गया, एक कोना पूरा खत्म हो गया, देखिए पानी से पूरा बह गया। और अंजू इधर स्टार्ट कर दी कटिंग करना घास। और दोस्तों अंजू इधर कटिंग करके रख दी है, ये देखिए आड़ में, और इतना कटिंग कर ली है। तो चलिए हम सब परात में डालते हैं घास को, और अंजू इधर कटिंग कर रही है और घास। और अंजू चल गई है आगे तरफ। और अंजू ये जगह कटिंग कर रहे हैं, देखिए इधर पूरा घास है। हाँ, बड़ा बड़ा घास है, ये देखिए। और धान फूट गया तो काफी अच्छा लग रहा है, देखिए बाल सब। और ये साइड वाला आधा धान पक गया है, और इधर वाला नहीं पका है, देखिए हरा हरा दिख रहा है अभी ये साइड वाला। और ये वाला का देखिए कलर पूरा चेंज हो गया है। और धान फूटने के बाद पूरा खेत लेवल दिखने लगता है। और परात पूरा भर गया, तो चलिए आप चलेंगे घर। और ये देखिए पूरा परात भर गया। और ये जगह भी धान पूरा खत्म हो गया, देखिए पानी से पूरा बह गया। और अभी तक बारिश नहीं आया है, लेकिन आज बारिश आएगा।
और ये देखिए गाय देख रहे हैं, देखिए और दोस्तों गाय को दे दिए घास और चलिए आप बकरी सबको दे देते हैं। और ये देखिए खाने के लिए कैसा खोज रहे हैं, देखिए और इधर देखिए मुन्नी को पूरी रोटी खा रही है, नजर पूरी रोटी खा रहे हैं। चले और मुन्नी पकड़ लिया पूरी रोटी और पूरा खुश है, देखिए खाने ही नहीं सक रहे, अभी दांत नहीं है। और दोस्तों बकरी सबको दे दिए घास और अंजू चल गई है अंदर पानी लाने के लिए। हाँ। और पानी लेकर के आ गई और चलिए चलते हैं और गाय को दे देते हैं। और गाय को दे दिए पानी और गाय अभी पानी पी रही है। तो दोस्तों दीदी चल गया चापाकल, तो चलिए पानी आनते हैं। तो दोस्तों पहुंच गए चापाकल, ये देखिए आ दीदी इधर है, भर लो एक चलिए दोस्तों भरते हैं। तो चलिए दोस्तों भर गया, चलिए घर चलते हैं। दोस्तों ये देखिए दोनों का देखिए दोस्तों, इधर बाबू है और इधर मुन्नी है, ये देखिए। तो पानी लेकर के आ गए हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोग सोचते हैं दीदी सोतली दीदी है ना, अपने दीदी है। तो दोस्तों दीदी मेरा अपने दीदी है। तो चलिए दोस्तों रात का खाना तैयारी करेंगे, मेरा डूब गया दोस्तों। तो दोस्तों माँ इधर ओधन चढ़ा दिए दोस्तों, आग जला लिए। और मुन्नी इधर दोस्तों देखिए चिट्टू, और दोस्तों मुन्नी का भी हम खिला रहे हैं अभी। हाँ। और सासु माँ इधर ओधन बैठा दिए चूल्हा जला करके। और दोस्तों अभी बेरा डूबने चला और सासु माँ चूल्हा जला लिए और ओधन भी बैठा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कर दीजिएगा लाइक, अगर चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।